हेलो गाइस, आप सबका फिर से दिल से स्वागत है वेक्सीफाई पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टनिंग ब्राइडल मेकअप लुक फॉर वेडिंग। सो हियर द फर्स्ट वन इज HD और हाई डेफिनेशन मेकअप। HD और हाई डेफिनेशन मेकअप एक्चुअली वो मेकअप है जो हम टेलीविजन या स्क्रीन पे देखते हैं। HD लुक बेसिकली कैमरा के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिससे मेकअप से चेहरे की लाइन एंड फोर्सेस को अच्छे से हाइड किया जा सके। HD मेकअप से चेहरे को हाई कवरेज देने की ट्राई किया जाता है। आजकल वेडिंग फोटोग्राफी और वेडिंग शूट ट्रेंड पे है, तो उस वजह से ज़्यादातर ब्राइड HD मेकअप प्रिफर करते हैं। आप अगर यहाँ पे HD मेकअप करते हो तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि आपका जो कॉस्मेटिक वगैरह है, जैसे कि कॉन्सीलर, आई शेडो, प्राइमर, ये सब नॉर्मल की बजाय आपको HD का लेना है। द बेस्ट पार्ट अबाउट HD मेकअप इज दैट इट डज नॉट फील हैवी और आपके फेस को ये घंटों तक रेडिएंट रखता है। यानी एक एक्सट्रीमली नेचुरल लुक की जगह HD मेकअप से आपको एक फ्लॉलेस स्किन देती है। सो हेयर द सेकेंड वन इज मेट मेकअप। मेट वो मेकअप है जिसमें जनरली कोई स्पर्कल, शिमर और शाइन नहीं होता। मैट मेकअप से चेहरे को बोल्ड लुक दिया जाता है। इट्स वन ऑफ द ट्रेंडिंग मेकअप ऑफ ऑल सीजन्स। जिन लोगों का स्किन ऑयली है उन लोगों के लिए ये मेकअप ज़्यादा प्रिफरेबल है। अदरवाइज नॉर्मल स्किन के लोग भी ये मेकअप कर सकते हैं। जहाँ तक इंडियन ब्राइड्स की बात है तो इंडियन ब्राइड्स वेडिंग डे पे हैवी एंड गॉर्जियस लुक प्रिफर करती है। तो आप अपने डे पे हैवी अटायर के साथ बोल्ड फिनिश दे सकते हो। यू माइट हैव हेयर और यूज मैट लिपस्टिक हेयर एज द मैट मेकअप इज। एज ए मेकअप के बेस पे आपको फर्स्ट चेहरे पे CTM करनी है, मीन्स क्लीनिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब जबकि यहाँ पे पार्टिकुलर एरिया बेस पर्कल एंड शाइन यूज नहीं होता, तो आपके आई के पार्ट का ब्लेंडिंग अच्छे से करना होता है, नहीं तो वो क्रैकी हो जाता है। मैट मेकअप वाइड रेंज ऑफ कलर्स एंड ह्यूज के साथ अवेलेबल है, टू अलाउइंग मेनी पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट अ स्टनिंग लुक। सो द थर्ड वन इज मिनरल मेकअप। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या फिर जिन लोगों का स्किन प्रॉब्लम है, मिनरल मेकअप उन लोगों के लिए है। मिनरल मेकअप पे केमिकल फ्री कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है। मेकअप प्रोडक्ट जिसमें केमिकल होता है वो स्किन को हार्म कर सकते हैं, इसलिए कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट मिनरल मेकअप प्रिफर करते हैं। मिनरल मेकअप से विदाउट केमिकल आपके मेकअप को फिनिश दिया जाता है। मिनरल मेकअप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मिनरल मेकअप कैन मेक योर स्किन हेल्दियर। मिनरल मेकअप आपके फोर्सेस को क्लॉग नहीं करता, जो ज़्यादातर मेकअप ब्रांड्स करते हैं। मिनरल मेकअप उन लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जिनके स्किन में एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। कुछ दिक्कत मिनरल मेकअप में ये है कि ये लिमिटेड कलर्स ऑप्शन के साथ अवेलेबल है एंड इट्स हार्डर टू फाइंड। लेकिन अब जितने लोग मिनरल मेकअप के बारे में अवेयर हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओवरऑल मिनरल मेकअप गिव ए ग्लोइंग लुक एज अपोज टू द शाइनी लुक। सो हेयर द फोर्थ वन इज श्रीमर मेकअप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट शिमरी एंड स्पार्कली कॉस्मेटिक्स दैट मेक यू शाइन। इस मेकअप पे मेटेलिक शेड्स एंड ग्लिटर के जरिए आपके ऊपर एक्स्ट्रा ट्विंकल दिया जाता है। आप चाहो तो इस ग्लिटरी एंड शिमर लुक को पूरा फेस पे भी यूज कर सकते हो। श्रीमर मेकअप पे ब्रॉन्जर का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जिस फॉर्मूले से ब्रॉन्जर यूज़ करते हो उस हिसाब से आपके टूल्स होने चाहिए। आप यहाँ पे क्रीम ब्रॉन्जर के लिए डेंसली पैक्ड डोम ब्रश यूज़ कर सकते हो एंड पाउडर ब्रॉन्जर के लिए बिग फ्लफी ब्रश यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कम शिमरी एंड मोर ड्यूवी लुक चाहिए तो आप क्रीम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो डेंस ब्रश के साथ। शिमरी ब्रॉन्जर अप्लाइंग का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको पहले मेकअप का एप्लीकेशन को लाइट रखना है एंड मेकअप के इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। शिमरी मेकअप आपके लुक को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सिंपल टू स्टनिंग लुक। सो द लास्ट वन इज स्मोकी लुक। स्मोकी मेकअप से फेस पे एक पावरफुल एंड अट्रैक्टिव लुक देने की ट्राई किया जाता है। स्मोकी लुक पे आई के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे शेडो यूज़ किया जाता है,
टू क्रिएट ए डार्क स्मोकी लुक एंड ब्राउन शेडो यूज किया जाता है टू क्रिएट ए सॉफ्ट स्मोकी लुक। स्मोकी लुक पे लॉन्ग आईलैशेस यूज किया जाता है बोल्ड लुक के लिए। जनरली स्मोकी लुक पे आईज के बोल्डनेस के ऊपर फोकस करते हुए लिप्स पे न्यूट कलर यूज किया जाता है, बट एज अकॉर्डिंग टू द ओकेशन आप बोल्ड लिप कलर भी यूज कर सकते हो। स्मोकी मेकअप से चेहरे को ड्रामेटिक, डेयरिंग एंड बोल्ड लुक दिया जाता है। स्मोकी आईज के लिए आपको एज ए बेस आईलिड प्राइमर यूज करना है। अगर आपके पास आईलिड प्राइमर नहीं है तो आप रेगुलर फेस प्राइमर भी यूज कर सकते हो। फिनिशिंग टच के लिए आपको आईज के इनर कॉर्नर पे एंड आईब्रोज के नीचे से लाइटेस्ट कलर यूज करना है जो एज ए हाइलाइटर काम करता है। दिस मेकअप हैज एन सेंसस अपील विदाउट लुकिंग टू मॉडर्न और इवन इलेक्ट्रिक। एंड लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वेडिंग रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।